मुंगेर सदर अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही आई सामने। पोस्टमार्टम हाउस में रखे सबके चेहरे को आवारा कुत्ते ने नोच खाया। परिजनों ने किया सदर अस्पताल में हंगामा। SDO ने दिया आश्वासन, दोषियों पे की जाएगी कार्रवाई। हंगामे के मद्देनजर अस्पताल परिसर पुलिस छावनी में हुआ तब्दील। दरअसल पूरा मामला मुंगेर सदर अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम हाउस का है, जहाँ घटना सोमवार की शाम लगभग 4 बजे सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक मृत युवक को कुछ लोग लाकर छोड़कर फरार हो गए। मृत युवक के बारे में सदर अस्पताल के प्रबंधन ने मुंगेर पुलिस को सूचना दी। पुलिस सदर अस्पताल पहुंचकर मृत युवक की पहचान में जुट गई। इस संबंध में कोतवाली थाना अध्यक्ष DK पांडे ने कहा कि मृत युवक की शव की तस्वीर लेकर शाम में विभिन्न सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई एवं युवक के परिजन का पता लगाने के लिए सभी थानों को लगा दिया गया। देर रात सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद पूर्वसराय OP क्षेत्र के मिन्नत नगर इलाके के रहने वाले मोहम्मद इतरीस के 42 वर्षीय पुत्र मोहम्मद अनवर के रूप में अज्ञात युवक की पहचान हुई। परिजन देर रात तक देखने पहुंचे पर गार्ड ने बताया कि पोस्टमार्टम हाउस में शव को सुरक्षित रख दिया गया है और सुबह ही देखने को मिलेगा। पर जब सुबह भी परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा तो काफ़ी देर के बाद सुबह 9 बजे पोस्टमार्टम हाउस जाकर शव को देखा तो उसी के परिजन का था। पर शव के चेहरे को किसी जानवर के द्वारा नोच खाया प्रतीत हुआ और वहाँ खून से सने कुत्ते के पैर के निशान थे, जिसके बाद परिजन ने अस्पताल में हंगामा करना शुरू कर दिया। स्थिति यहाँ तक हो गई कि अस्पताल में तोड़फोड़ मचाने को भी परिजन और ग्रामीण तैयार दिखे, जिसे देखते हुए मुंगेर SP ने तत्कालीन SDO और DSP सदर के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस टीम को सदर अस्पताल भेज मामले को कंट्रोल किया। परिजन ने बताया कि शिनाख्त के लिए पुलिस ने जो फोटो दिखाया उसके परिजन का ही था, जिसका चेहरा सही था, पर जैसे पोस्टमार्टम हाउस में देखा गया तो कई कुत्तों के द्वारा सबके चेहरे को नोच खाया जा रहा था। वहीं सदर SDO यतेंद्र पाल ने बताया कि एक अज्ञात शव को 72 घंटे के लिए सदर अस्पताल पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया था, जिसकी शिनाख्त भी हो गई, पर पोस्टमार्टम हाउस में रखे सबको जानवरों के द्वारा नोच खाया, जिसकी जांच करवाई जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही परिवार को सरकार के द्वारा दिए जाने वाले सारी सुविधाओं को भी मुहैया करवाया जाएगा। पता हुआ उसके बाद कोई आदमी मेरे को मोबाइल में दिखाया ये आपका आदमी है, कोई आदमी चिल लिया तो बोले हाँ ये मेरा तो मेरा घर जा केवारी बजा रहा है। अनवर भैया देखिए ऐसा बात हो गया है तो हम लोग देखा फोटो तो हम टेम्पो रिजर्व करके सर 11 बजे हम यहाँ आए तो गॉड बाबू हुआ रहा बोले इतना बड़ा रात में क्यों आए बोले सर देखिए ना मेरा है ना आप आदमी अच्छी हो गया मर्डर हो गया है सब बॉडी आया हुआ सब बॉडी दिखाइए ना नहीं है बॉडी नहीं है बॉडी कहले ऐसा क्यों बात बोले सर दिखाइए ना हम चादर उतर ले कर आए तो बोले इसकी नहीं है रहता है बॉडी तो उसके में दूगो गार्ड रहता वो बोला गार्ड बाबू तो हम बोले ठीक है गार्ड बाबू है ना गार्ड है तो कहा पूरा डिपार्टमेंट पर्सन में खोजे बोले इसकी नहीं रहता है तो यहाँ रहता है बकरी पर बता इसकी घास पर रहता हम बोले ठीक है नहीं है उसके बाद बोले इसकी जाइए फाड़ी हम फाड़ी गया आदमी गया तो बोले इसके हाथ धूप बॉडी अंदर में है अब तो अंदर है लवारिस में लगा गया सुबह में आइए 5 बार निकाल कर दे दे 5 बजे से आल तो ये बोला इनका बोला कि झाड़ के बोला ये औरत बहुत बोलती है जाइए ना यहाँ इसकी ना जाइए हमारे साथ ऐसा क्यों बोलते है हमारे साथ ऐसा हुआ तब ना हम बोल रहे हैं आए तब सुबह में आए 5 बजे तब बोल रहे उस घाट के बोल रहे खोलिए ना सर हाँ बोला नहीं खोलेंगे कुआ में जो मातम करता कुआ में क्या हुआ आपके उनके साथ क्या हुआ यहाँ पे बॉडी के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ है छेड़छाड़ पूरा कुत्ता उत्ता ना हम लोग कार्रवाई करेंगे सर हम लोग जैसा बॉडी है वैसा देंगे ठीक है हमको जो जैसा है वैसा देंगे क्या नाम हुआ आपका अफसाना खान क्या देखेंगे रात में आए सर तो यहाँ पे गार्ड साहब बोले हैं सुबह में आना सुबह में आपको मिलेगा बॉडी और रात में कल मोबाइल में देखे हैं बिल्कुल सही था और सुबह में आके देखते हैं तो 3-4 मरते हमको बोले खोलिए 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 बॉडी समय होगा तभी खोलेंगे समय होगा तभी खोलिए अचानक एक बार खोला तो जाके देखते हैं तो चारों कुत्ता उधर से आ रहा और इधर पूरा एकदम ऐसे करके पूरा खाया हुआ एकदम पूरा अच्छा हाँ ये डॉक्टर का लापरवाही है सर यहाँ पर का पूरा लापरवाही है क्या मांगे तुम लोगों की मांगे कि जैसा मेरा भाई पहले था फोटो में जैसा था वैसा हमको चाहिए बाकी कुछ नहीं बाकी कुछ नहीं ठीक बस हमको जैसा मेरे भाई पहले था वैसा हमको करके दीजिए वैसे कुछ नहीं चाहते क्या नाम हुआ मोहम्मद सद्दाम जो वाक्या हुआ रात में एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी यहाँ पर आई थी और उसकी आइडेंटिफिकेशन हुआ है पूर्वसराय के निवासी हैं किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बॉडी वहाँ पर परिवार के घर के पास में छोड़ कर गया था उसकी भी आइडेंटिफिकेशन हो गया है ड्राइवर से भी उनके द्वारा अभी तक बताया गया है कि ये संभवतः एक्सीडेंट का केस है पुलिस अनुसंधान कर रही है
जो भी उस मामले में होगा उसमें पूरी तहकीकात के बाद सामने आएगा। दूसरा यहाँ पर एक वाकया हुआ है कि कुछ जो स्ट्रे डॉग्स के द्वारा वहाँ पर बॉडी को कुछ डैमेज किया गया है, तो उसके मामले में भी जाँच की है, कुछ लापरवाही सामने आई है जो वहाँ के व्यक्ति हैं, उसमें पूरा प्रतिवेदन हम विस्तृत रिपोर्ट बनाकर देंगे और आगे से इंश्योर किया जाएगा कि इस तरह की कोई घटना नहीं हो। कुछ जगह से बताया है कि पीछे की दीवार कम ऊंची है और आगे गेट के नीचे भी जगह है, तो उसको भी इंश्योर किया जाएगा और जो भी जिसकी भी लापरवाही यहाँ पर सामने आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा एक्सीडेंट का केस है तो उसमें 5 लाख रुपये सरकार के द्वारा प्रावधान है कॉम्पनसेशन का, तो वो भी उपलब्ध कराया जाएगा। और इस कबीर अंत्येष्टि से जो अंत्येष्टि के लिए यहाँ पर सहायता दी जा सकती है उसको भी उपलब्ध कराएगा। और इसके अलावा भी जो परिजन हैं उनके और जो उनके आश्रित हैं उनके जो भी सरकार की स्कीम्स हैं उसके अंतर्गत जो भी उनको मदद पहुंचाई जा सकती है उसको पहुंचाया जाएगा। प्रशासन पूरी तरह से इस मामले को पर सजग है और समुचित कार्रवाई की जाएगी।